तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते समय आप किस तरीके के फंडामेंटल मतलब डिफिकल्टीज जो होती हैं, प्रॉब्लम जो हैं, आप वो फेस करते हैं अगर उनके फंडामेंटल फीचर्स को आपने कंसीडर नहीं किया है। तो इसका आंसर है द कॉमन फंडामेंटल फीचर यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स इंक्लूड बॉडी सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, नेचर ऑफ सीलम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो कॉमन फंडामेंटल फीचर, जो बेसिक कैरेक्टर हैं जो किसी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, वो क्या हैं? उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स किस तरीके से हैं, उनका जो सीलम है वो किस तरीके का है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। एनिमल क्लासिफिकेशन वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग इफ फंडामेंटल फीचर्स आर नॉट कंसीडर्ड। अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन चाहते हो तो आपको फंडामेंटल फीचर्स को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव बीन प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो एनिमल जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में प्लेस किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पंजेस और जो सिनेडेरियंस हैं उनकी सेलुलर और टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल शोइंग वेरियड टाइप ऑफ जर्मिनल लेयर्स वुड हैव बीन प्लेस टुगेदर एज डिप्लोब्लास्टिक सिनेडेरियंस एंड डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिंथीज। अगर वही हम सिनेडेरियन और प्लेटी हेलमिंथीज की बात करें तो जो उनकी जर्म लेयर्स के अकॉर्डिंग जो है, सिनेडेरियन को डिप्लोब्लास्टिक और प्लेटी हेलमिंथीज को ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला गया है। ठीक है, एनिमल्स हैविंग डिफरेंट बॉडी सिमेट्री वुड हैव बीन प्लेस्ड टुगेदर एज सीलेंट्रेट्स विद रेडियल सिमेट्री एंड प्लेटी हेलमिंथीज विद बायलेटरल सिमेट्री। जो एनिमल जिनकी बॉडी सिमेट्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, उनको डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में प्लेस किया गया हुआ है। जैसे कि सीलेंट्रेट्स की जो है वो रेडियल सिमेट्री है, जबकि ब्लेटी हेलमिंथीज की बायलेटरल सिमेट्री है। देयर वुड हैव बीन नो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन विद और विदाउट बॉडी कैविटी, प्लेसिंग ऑफ ओवी पोरस एंड द वीवी पोरस ऑन एनिमल्स टुगेदर। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो है, ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन की जो चीज़ें हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, तभी आप एनिमल का क्लासिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन का फंडामेंटल बेसिस उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इफ़ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड फॉलो टू क्लासिफाई इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इसमें पूछा गया है कि अगर आपको कोई स्पेसिमेन दे दिया जाता है तो आप उसको किस तरीके से क्लासिफाई करोगे। ऑब्वियसली जब आप कोई स्पेसिमेन दिया जाएगा तो आप उसके फिजिकल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर्स आप देखोगे, और उसके बेसिस पे आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और फाइलम्स में रख पाओगे। जैसे कि पहला आप देखोगे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो ऑटोट्रॉफिक है या फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन है उनका, सेप्रोफिटिक है या पैरासिटिक है, कॉम्प्लेक्सिटी और बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके का है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उनमें ऑर्गेनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं कि सब में डिवाइड हो रहे हैं या एसिमेट्रिकल बॉडी है, सीलम प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर सीलम प्रेजेंट है तो किस तरीके का है, स्यूडोसिलोमेट है कि यूसिलोमेट है, और उनकी फाइलोजेनेटिक यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो दीज आर द बेसिस ऑन विच यू विल क्लासीफाई द स्पेसिमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ अ बॉडी कैविटी एंड सीलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर आपको बॉडी कैविटी और सीलम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देना हो एनिमल्स का, तो ये किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए यूजफुल है। तो आंसर्स हैं, ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सीलम। ऑर्गेनिज्म्स को हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, मतलब सीलम प्रेजेंट है या सीलम प्रेजेंट नहीं है, इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं।
द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाई मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलम. अगर बॉडी कैविटी जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सीलोम, सीलोमेट या सीलम. एनिमल्स पजेसिंग सीलम्स आर कॉल्ड सीलोमेट्स. फॉर एग्जाम्पल एनिलेट मोलोस्कास, आर्थोपोडास, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉडाट्स एंड कॉडेट्स. इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, इंस्टेड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म. सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड अ स्यूडोसीलम एंड द एनिमल पोजेसिंग दैम आर कॉल्ड द स्यूडोसीलमेट्स. एग्जाम्पल्स हैं एस्केल हेलमेंथीज एंड स्यूडोसीलमेट्स. बॉडी कैविटी डिराइव फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो. द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एबसेंट आर कॉल्ड द एसीलोमेट्स और द प्लेटी हेलमेंथीज. तो अकॉर्डिंग आपसे सीधे आपको ये पूछा गया है आपसे, ए सिलोमेट क्या है, स्यूडोसिलोमेट क्या है और यू सिलोमेट्स एनिमल्स कैसे हैं. तो आपको उनके डेफिनेशन लिखे, उनके एग्जांपल्स लिखने हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ओके तो लेट्स सी. ओके तो आपसे क्वेश्चन पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इंटरसेलुलर डाइजेशन में द फूड डाइजेशन ऑफ फूड अकर विद इन द सेल, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में अकर्स इन द कैविटी ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाई द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म इन टू द फूड वैक्यूल. Digestive enzymes are secreted by the special cells into the cavity of the alimentary canal. Digestive products are diffused into the cytoplasm. और यहाँ पे इसमें क्या है, digestive product diffuse across the intestinal wall into the various part of the body. It is less efficient, it is more efficient. It occurs in unicellular and it occurs in multicellular organisms. Next question है आपका, what is the difference between direct and indirect development? तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इट इज़ अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज. जब किसी भी इंडिविजुअल या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लार्वल स्टेज में जाए बगैर होता है उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जिस इनमें जो सेक्सुअली इमेच्योर लार्वल स्टेज होती है वो पहले आती है, उसमें फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बाद वो एडल्ट्स में चेंज हो जाता है. इसमें मेटामॉर्फिसिस एब्सेंट होता है, इसमें मेटामॉर्फिसिस प्रेजेंट होता है. ये फिशेस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस में दिखा गया. ओके व्हाट आर द पिक्यूलियर फीचर्स दैट यू फाइंड इन द पैरासिटिक प्लेटी हेलमिंथीज. तो पिक्यूलियर फीचर्स इन पैरासिटिक प्लेटी हेलमिंथीज की दे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, हुक्स एंड सकर्स है, जो बॉडी है उनमें थिक टेग्यूमेंट्स की कवरिंग है जो कि उनको डाइजेस्टिव जूसेस से बचाती है और साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो आर्थ्रोपोडास होते हैं वो क्यों लार्जेस्ट ग्रुप बनाते हैं एनिमल किंगडम में. तो आर्थ्रोपोडास आर द फर्स्ट फाइलम टू हैव वेल डेवलप्ड सिस्टम टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज. दे आर अ डिस्टिंक्ट सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन. देयर सर्वाइवल कैपेसिटी इज ग्रेट बिकॉज ऑफ इलेबोरेट सिस्टम. दिस हैज हेल्प देम सर्वाइव इन डाइवर्स कंडीशन एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई आर्थ्रोपोडास आर द लार्जेस्ट ग्रुप अमॉन्ग द एनिमल किंगडम. जो आर्थ्रोपोडास हैं इन्होंने कहा जो फर्स्ट फाइलम, इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर लेते हैं. इनमें जो है रेस्पिरेशन, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन का सिस्टम प्रेजेंट होता है. इनकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है और बहुत ही बड़ी होती है, जो कि उनको डाइवर्स कंडीशन यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइव करने में हेल्प करती है. और यही रीज़न है कि जो आर्थ्रोपोडास हैं इनका एक लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम में. ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग. जो वाटर वास्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट है, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है आपका इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट है, क्योंकि ये सिस्टम उनको हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड में और वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में.
और ये जो सिस्टम है वो मेड्रोपोरोटाइट, स्टोन कैनल, सर्कुलर रिंग कैनल, रेडियल कैनल, लेटरल कैनल्स एंड ट्यूब फीट्स, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर क्वाड्रेट्स बट ऑल क्वाड्रेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अक्सर पूछा जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको क्वाड्रेट्स कहा गया है, पर जितने क्वाड्रेट्स हैं उनको वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं कहा गया है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। तो इसका आंसर है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फाइलम क्वाड्रेटा इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड एंड पेयर फेरिंजियल ग्लियल स्लिट। जो भी एक फाइलम क्वाड्रेटा का जो भी कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, जो कहा जाता है कि हाँ ये क्वाड्रेटा का है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, साथ ही साथ में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना। इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होती है, बट वो रिप्लेस्ड हो जाती है आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में। हम सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। इसीलिए ये कहा जाया गया है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो क्वाड्रेट्स हैं, पर जितने क्वाड्रेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वाड्रेट्स हैं उनके अंदर इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड है बट वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर इन पाइसेस। तो गैस ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज़ अ गैस फिल्ड सैक्स इन फिशेस विच हेल्प इन मेंटेनिंग द बायोसी एंड हेल्प फिशेस टू डिसेंड एंड एसेंड और डिसेंड इन द वाटर। वॉट आर द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स एंड दैट हेल्प देम फ्लाई। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, फेदर्स हैं, फोर लिम्ब्स जो होते हैं वो विंग्स में, और हिंड लिम्ब जो है उनका वॉकिंग पर्चिंग में चेंज हो जाते हैं। न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं जिनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, सॉरी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो उन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, मैंने बताया आपको। और एडिशनल एयर सैक्स होते हैं जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये पूछा गया आपसे कि जो नंबर ऑफ एग्स जो और यंग वंस प्रोड्यूस किए जाते हैं ओविपोरस और विवोपोरस में मदर में, वो क्या इक्वल होते हैं। तो जो एग प्रोड्यूस किए जाते हैं ओविपोरस मदर में वो ज़्यादा है एज द यंग वन प्रोड्यूस बाई अ विवोपोरस, क्योंकि अंडे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, आप देखते हैं ना अंडे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और यंग वंस जो होते हैं वो एक ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से ये दिस इज द आंसर। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाई एन ओविपोरस मदर विल बी मोर देन द यंग वंस प्रोड्यूस बाई विवोपोरस मदर, बिकॉज इन ओविपोरस एनिमल्स द डेवलपमेंट ऑफ यंग वन टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर बॉडी, देयर एग्स आर मोर प्रोन टू एनवायरमेंटल कंडीशन एंड प्रेडेटर्स, therefore to overcome the loss more eggs are produced by the mother, so even under harsh environmental conditions some eggs might be able to survive and produce young ones. On the other hand in viviporous organism the development of young one takes place in the safe conditions inside the body of the mother, they are less exposed to the environmental condition and predators, therefore there are more chances of their survival, hence their less number of young ones is produced compared to the number of eggs. Segmentation in the body is the first observed in which of the following, platyhelminthes, exhalehelminthes in annelida or arthropoda? तो इसका आंसर है फाइलम एनिलिडा में, ठीक। मैचिंग है तो मैचिंग का ये आंसर है, ऑपोकोलम, ऑस्टियोसाइट्स, पैरापोडिया एनिलिडा, स्केल्स रेप्टीलिया, कॉम्प्लेक्स स्टेनोफोरा, रेडियोला मोलस्का, हेयर्स मैमेलिया, कोइनोसाइट्स, पोरिफेरा, गिल स्लिट्स, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रोसाइट्स। फिर है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बींग्स। तो एस्क्रीस, एस्काइलोस्टोमा, टेनिया एंड फ्यूकोसा, दीज आर द सम स्पीसीज विच आर लिव्स एज अ पैरासाइट इन साइड द ह्यूमन बॉडी। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा चैप्टर की क्वेश्चन आंसर विच आई हैव डिस्कस। तो कम्प्लीट योर नोट्स, कम्प्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स and show me your work within 2 days. Okay. Thank you.